शो। नमस्कार दोस्तों, दीपटेक 3.0 यूट्यूब चैनल का और एक बिल्कुल फ्रेश नया और एक बार एक्साइटिंग एपिसोड में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं दोस्तों समदीप। दोस्तों आप तो खैर सभी जानते हैं कि भाई वोडाफोन आइडिया जैसा एक दूसरे के साथ मार्च हुआ, अब फेसबुक और जियो एक दूसरे के साथ मार्च होने वाले हैं। लेकिन इधर दोस्तों फेसबुक और जियो एक दूसरे के साथ मार्च होगा तो उसका बिजनेस में बढ़ावा आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक है, उसका तो होगा। लेकिन दोस्तों हमारा क्या होगा, मतलब हम जो इंडियन है, इंडियन का क्या कुछ फायदा मिलने वाला है इस जियो और फेसबुक का मर्जर से, वही बात हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो हो रहा है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल। आपको सभी जानना है तो ये वीडियो जरूर आपको आखिर तक देखना ही होगा। और इधर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको घर बैठे हर दिन मुफ्त मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज कुछ हटके सीख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या हुआ था, फेसबुक ने सोचा था जियो का इंडिया में, जियो जो सबसे लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है इंडिया का, उसका 10% स्टेक यानी कि 10% शेयर वो खरीदना चाहता था। लेकिन दोस्तों वो तो खैर हो सकता था फरवरी और मार्च महीने के अंदर अंदर ही, लेकिन इस COVID-19 को चलते ये तो बात आगे निकल नहीं पाया। लेकिन दोस्तों कल फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग और जियो का मुकेश अंबानी की तरफ से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ, जिधर बातचीत क्या कुछ हुआ। देखिए फेसबुक अभी बोल रहा है वो ऑनलाइन ही वो एक खरीदना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा अंबानी सर वो बोल रहे हैं नहीं, ये तो ऑनलाइन नहीं हो सकता है, हम जो करेंगे वो कोर्ट के अंदर से ही करेंगे, मतलब कोर्ट पेपर को साइन करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग चाहते हैं वो ऑनलाइन एक कुछ जो प्रोसेस है वो सब कुछ कर जाए। लेकिन दोस्तों इंडिया में अभी सब कुछ बंद है, कोर्ट भी बंद है, लेकिन बाहर में कोर्ट ऑनलाइन चलते है, इधर तो ऑनलाइन नहीं चलता है कोर्ट ना, वो सभी कुछ बंद है। तो ठीक है वो तो मार्क जुकरबर्ग ले लिया, लेकिन दोस्तों फायदा क्या कुछ मिलने वाला है हम इंडियन को। देखिए दोस्तों फेसबुक और हमारा जियो, रिलायंस जियो एक दूसरे के साथ मार्च हो जाए तो जियो का जो इंडिया में जो उसका लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर है वो भी बहुत ही ग्रो कर जाएगा। मतलब रिलायंस का जो शेयर है वो अपने आप ही ग्रो करते रहेगा और जियो का भी जो सिस्टम है वो भी अपने आप ग्रो करते रहेगा। हो सकता है वो इंडिया में हर दिन के लिए फ्री में कुछ ना कुछ आपको दे पाए, एक फायदा तो आपको मिल ही गया इधर। और नेक्स्ट जो फायदा है, जो फेसबुक सोच रहे हैं जियो और व्हाट्सएप के साथ भी वो मर्ज हो जाए, ताकि वो जो यूपीआई सिस्टम है, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम है वो भी वो लॉन्च कर पाए। इधर दोस्तों आप तो जानते हैं कि भाई जियो डिजिटल में एक मनी ऐप है, जिधर जियो में मनी ट्रांसफर होता है। इधर दोस्तों फेसबुक वो भी खरीद ले, मतलब वो भी ले ले, तो इधर दोस्तों जो फॉरेन का मनी है वो इंडिया में आ जाएगा, बहुत जो प्रॉफिट है वो इंडिया का सरकार निकल पाएगा। और सभी इंडियन वासी को एक जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है COVID-19 को चलते, एक कुछ ना कुछ सॉल्व तो हो सकते हैं, क्योंकि मनी आएगा बाहर से, ये तो दूसरा फायदा हुआ। लेकिन दोस्तों इधर फेसबुक और भी चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मर्ज होके, वो भी तो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह, वो रिचार्ज वगैरह चलते ही रहेगा, जो ऐसा अमेजोन पे है, मानो फोन पे है, पेटीएम है, ये तो रहेगा। लेकिन दोस्तों एक जो सबसे बड़ा बात इधर निकल के आ रहा है, जो ग्रोसरी सिस्टम है, ग्रोसरी सिस्टम मतलब जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ऐसा वगैरह करते हैं, जो ग्रोसरी का सामान अब हम खरीदते हैं ना फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, स्नैपडील से, ऐसा कुछ जगह पे, तो ये भी सिस्टम लॉन्च हो जाए तो ग्रोसरी सिस्टम में वो भी आगे बढ़ जाएगा। इधर दोस्तों टक्कर देने वाला बात है अमेजोन फ्लिपकार्ट वर्सेस जियो, जियो का ग्रोसरी सिस्टम एक दूसरे के साथ टक्कर देगा। तो टक्कर देने में क्या कुछ फायदा है, वो जो सामान का रेट है, जो MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो भी कम हो जाएगा। इधर दोस्तों आप भी जो वो लोगे ना, वो सामान जो लोगे वो भी कम प्राइस में आ जाएगा। और इधर दोस्तों अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जो है कि 499 का सामान लोगे, मतलब उसका ऊपर लोगे, तो आपका जो वगैरह जो डिलीवरी चार्ज है वो फ्री हो जाएगा। लेकिन दोस्तों फेसबुक और जियो ऐसा सोच रहे हैं पहले से ही वो फ्री रखे। और इधर दोस्तों बाहर का जो सामान हम मंगवाते हैं ना, जो मानो अलीबाबा से ऐसा कुछ मंगवाते हैं बाहर का सामान, वो भी इधर बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से हम लोगों को मिलने वाले हैं। और इधर दोस्तों और एक जो बात है, जो एंटरप्रेन्योर होना चाहते हैं बिजनेस में, मतलब जो अभी सोच रहे हैं कि मैं फेसबुक और अमेजोन से बिजनेस करूँ कुछ, और वो भी जो करता है उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होगा।
होगा, क्योंकि दोस्तों एक्सपोर्ट का लाइसेंस उसका नहीं लगेगा। पहले एक्सपोर्ट का लाइसेंस जियो का रहेगा, फेसबुक का रहेगा, वो एक्सपोर्ट लाइसेंस को लगा के वो इंडिया का जो सामान है वो बाहर भेज सकते हैं और बहुत कुछ पैसा वो तो कमाएगा ही कमाएगा, और हमारा इंडियन सरकार भी कमाएगा, वो सारे लोगों के साथ बट वो आसानी से लेगा, बट लेगा वो ऐसा ही कुछ। तो इधर दोस्तों आपका ख्याल क्या क्या है, फेसबुक और जियो तो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएगा इस साल में ही, शायद इस साल में कोविड 19 चल रहा है तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगला साल तो हो ही जाएगा। ख्याल इधर आपको क्या लग रहा है कि जियो और फेसबुक एक दूसरे के साथ सोशल नेटवर्क में मर्ज हो जाए तो क्या कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिलने वाला है आपको? दिल का ख्याल क्या है आपका? आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बता देना। बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।